नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों मेरे YouTube चैनल का नाम है धर्मेंद्र रावत और मैं हूँ आपका दोस्त रोहन धर्मेंद्र। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं KKR वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के मैच के बारे में, मैच का विश्लेषण, मैच से जुड़ी कुछ खास बातें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। उससे पहले आप सब लोगों को एक छोटा सा काम करना है, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सोशल नेटवर्क की साइट पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं जिसके लिंक वीडियो पर चलते हुए आपको दिखाई देंगे। दोस्तों कुछ भी पूछना, कुछ कोई भी कमेंट करना आप मुझे कर सकते हैं, आपका कोई भी सुझाव मुझसे बहुत ध्यान से समझूंगा, उसके बाद सुझाव पर अमल भी करूंगा दोस्तों। लेकिन इन सब के लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना होगा मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना होगा, और दोस्तों वीडियो पूरा देखा कीजिए। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, बहुत सी ऐसी जानकारियाँ हैं जो आप लोग मिस कर देंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। क्रिकेट की अगर नॉलेज बढ़ानी है और मैच से कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी आप लोगों को चाहिए तो पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आज मैच हुआ। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 185 का स्कोर किया। ओपनिंग साझेदारी शुभमन आपका नीतीश राणा और त्रिपाठी ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, बहुत शानदार तरीके से 20 बनाया अपने लय में देखे। लेकिन सनराइज हैदराबाद की जो गेंदबाजी विश्लेषण रही वो कहीं ना कहीं कमज़ोर कड़ी आज के मैच में साबित हुई। चाहे उनके पास आपका रशीद खान थे, चाहे नटराजन थे, चाहे भुवनेश्वर कुमार, लेकिन वो असर नहीं छोड़ पाए। उम्दा क्लास की गेंदबाजी का एक पूरा खाका है सनराइज हैदराबाद के पास। उनके पास विश्व स्तरीय गेंदबाज रशीद खान जो किसी भी पिच पर, किसी भी स्टेडियम पर और किसी भी बल्लेबाज के आगे अपने अपनी गेंदों को स्पिन और एक अलग ही तरीके से पेश कर सकते हैं, इसीलिए उनका अमोदी खान भी कहा जाता है। लेकिन आज इनकी गेंदों में वो असर नहीं दिखाई दिया। चाहे भुवनेश्वर कुमार उन्होंने अपने अभी उनका इंग्लैंड दौरा बड़ा अच्छा ठीक ठाक ख़त्म हुआ, और भुवनेश्वर कुमार अपने स्विंग महारत के कारण कुछ अलग श्रेणी में रखे जाते हैं। टी नटराजन इस समय इंडियन पेस अकेडमी में, चाहे इंडिया के पास टी नटराजन इकलौते ऐसे बॉलर हैं जो यॉर्कर्स डिलीवर कर सकते हैं। आज के समय में टी नटराजन एक महत्वपूर्ण बॉलर माने जा रहे हैं, लेकिन वो जो एक एक इन तीनों बॉलरों को मिला के एक वो आप सनराइज हैदराबाद वो बॉलिंग में वो धार पैनापन नहीं दिखा पाए जिसके लिए वो जानी जाती है, और इसका फ़ायदा KKR की टीम ने बखूबी उठाया। आपके नीतीश राणा ने और त्रिपाठी ने बहुत शानदार तरीके से बल्लेबाजी की, और उसके बाद दिनेश कार्तिक ने छोटी लेकिन कैमियो इनिंग बड़ी अच्छी खेली। शुभमन गिल अल्लाह की रहे, वो 10-15 रन के स्कोर पर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद से स्कोर जो नीतीश राणा और त्रिपाठी ने संभाला बहुत। भुवनेश्वर आज अपनी लय से भटके हुए नजर आए, रशीद खान भटके हुए नजर आए, जहाँ गेंदबाजी जिस एरिया पे जिस लाइन लेंथ से गेंदबाजी करनी थी आज उस लाइन लेंथ को बिल्कुल ही वो नहीं सटीक साध पाए। अलग तरीके से एक अपनी गेंदों को वो या तो शॉर्ट रख रहे थे या बिल्कुल और कुछ गेंदबाजी कर रहे थे, जिसका कि राणा ने बहुत शानदार तरीके से फ़ायदा उठाया। और जब सनराइजर हैदराबाद की बल्लेबाजी आती है तो आज वार्नर कुछ आई डोंट नो व्हाई ही इज जस्ट आउट ऑफ हिज फोकस, या हम ये कह सकते हैं कि व्हाई इवन मॉर्गन इज वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड ODI और T20 टीम, ही जस्ट प्रूव हिमसेल्फ कि वो क्यों बेहतरीन कप्तानों में से एक है, क्यों विश्व विजेता टीम के वो कप्तान है। उन्होंने ये प्रूव किया, उन्होंने हरभजन सिंह का सिर्फ एक ओवर दिया, और लास्ट मैच तो ओवर तक मैं यही सोचता रहा कि उन्होंने हरभजन सिंह को सिर्फ एक ओवर, जो कि वो 8 रन का ओवर था, बहुत शानदार था, लेकिन नहीं दिया। लेकिन उन्होंने अपने बॉलरों को बहुत बखूबी, चाहे आपका रसेल लास्ट के 2 ओवर रसेल से कराना, और एक सोची समझी रणनीति के तहत गेंद को आउटसाइड द ऑफ स्टंप और इतना बाहर रखना कि बल्लेबाज को रीच करना पड़े उस गेंद तक पहुँचने के लिए, कहीं भी अच्छी कप्तानी का नज़रिया देखने को मिला इवन मॉर्गन के तरफ से। बहुत शानदार कप्तानी की और सनराइज हैदराबाद की तरफ से बल्लेबाजी में वार्नर कुछ खास नहीं कर पाए। हाँ, ये जो
रिद्धिमान साहब है जो एक अपनी साझेदारी के लिए जो वो आए थे, जो पिछले मैच पिछले आईपीएल में एक मैच में रिद्धिमान शाह का बड़ा एक शानदार परफॉर्मेंस था, लेकिन आज वो अपने लय से बट शुरुआती मैचेज हैं, समय लगता है प्लेयर को टिकने में, प्लेयर को चीज़ों को समझने में, तो हो सकता है लेकिन उसके बाद बेस्टो और मनीष पांडे ने पारी को संभाला, सजाया और एक सनराइजर्स हैदराबाद को उस मुकाम तक ले जाने लगे जहाँ से ये लगने लगा कि अब जीत आसान है, इजली अचीवेबल है। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने ओवर रेट रन गति, जो रन पर ओवर चाहिए था उसको कहीं वो कैलकुलेशन करने में मिस कर गए, जो रन गति उन्हें चाहिए थी इनिंग्स बिल्डअप करने लगे, साझेदारी को बिल्डअप करने लगे, लेकिन रन पर ओवर को मिस कर गए। वो जो ओवर रेट था वो बढ़ता चला गया, स्कोरिंग रन रेट बढ़ता चला गया, जो उन्हें मतलब जिस रन रेट से रन बनाने थे उस पर शायद उनका ध्यान उतने सही तरीके से नहीं गया, और बाद के आने वाले बल्लेबाजों प्रेशर ज़्यादा बढ़ता चला गया। चाहे आपके विजय शंकर ने कुछ गेंद खराब की, वो कह सकता हूँ विजय शंकर की कुछ गेंद खराब होती है, नवीन ने एक छोटा ही सही, लेकिन नवीन भी कुछ खास नहीं कर पाए, गेंद उन्हें लगी भी आपके प्रसिद्ध कृष्णा के ऑल, सब कुछ ये है कि वो ठीक है, इतनी गंभीर चोट नहीं है उनको, बैक साइड पर गेंद उन्हें लगी है लेकिन ठीक है। लेकिन जो ये ओवर रेट और रन रेट दोनों को कैलकुलेट करने में आपके मनीष पांडे और बैट्स कहीं ना कहीं चूक कर गया, बाद में जो गेंदबाजी अच्छी रही, बाद में गेंदबाजी प्रसिद्ध कृष्णा की चाहे आपके रसेल की पैट कमिंस की, इन्होंने गेंदबाजी को सही तरीके से निभाया जिसका फायदा केकेआर की टीम को मिला, और इजली मैच जो ऐसा लग रहा था एक टाइम सनराइजर हैदराबाद जीत सकती थी, केकेआर की टीम जीत गई। कप्तानी में सबसे अच्छी बात आज एल मॉर्गन अपने कप्तानी और कप्तान उनके द्वारा लिए गए फैसले बहुत अच्छे साबित हुए, सही समय पर सही तरीके के निर्णय उन्होंने लिए जिसका फायदा उन्हें और उनकी टीम को मिला। आगे आने वाले टाइम में देखना होगा कि एल मॉर्गन के 80 की कप्तानी को बरकरार रखते हैं। बल्लेबाजी में जो उन्होंने थोड़ा निराश किया हमें, जो उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं अभी भी बाकी है, तो ये देखना होगा आगे आने वाले मैचों में क्या रफेल क्या इयन मॉर्गन अपने दमदार और बढ़िया पार्ट दिखाते हैं, क्या डेविड वॉर्नर क्या रिद्धिमान शाह फिर वही साझेदारी बनाने में कामयाब होते, इन सब और भी रोचक बातों के साथ अगले मैच की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। Be safe and be healthy. Thank you so much.